दोस्तों असम T20 का सेकेंड मैच होगा BCC वर्सेस SGC के बीच, होने वाला है 1 बजे। इन डेप्थ वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे दोनों ही टीम के बारे में, ताकि दोस्तों आप इस मैच का बढ़िया से बढ़िया स्मॉल लीग के कम्बिनेशन एंड ग्रैंड लीग के कम्बिनेशन क्रिएट कर पाओ। तो ध्यान से वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना, और डेफिनेटली अगले मैचेस के कवरेजेस, अपडेट्स एंड डेमो टीम के लिए आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक एडेड है। द 100 ओमेंस जैसे सीरीजेस हम लोग कवर कर रहे हैं, दोस्तों ओमेंस ट्राई सीरीज T20I एंड मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का भी कवरेज इस चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन को ऑन करो और जुड़ जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इस मैच के एनालिसिस में आते हैं दोस्तों। 140-50 एवरेज स्कोर, विकेट्स बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बट जो BCC टीम है वो स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर ये बैट फर्स्ट करते हैं तो ज़्यादा रन बन सकते हैं। 12 मैचेस से 4 बैट फर्स्ट, 7 बैट सेकंड ने विन किया। एरिक रॉय गोइंग के साथ ओपन, तुषार शाह, रोहित सेन, कौशिक गिरी होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से मैं बता रहा हूँ, एरिक रॉय दोनों मैच में फ्लॉप हुआ है, स्टेट लेवल में एक्सपीरियंस है बट कुछ काम ये कर नहीं रहे। दोस्तों गोयनका भी दोनों मैच में फ्लॉप हो गया, 31 का एवरेज है, ओपनर है, डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, बट जो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है तुषार शाह, क्योंकि इसने स्टेट भी खेला है, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑटोमेटिक हो जाते हैं एस कैप बीसी भी दोस्तों, ठीक है। रोहित सेन नॉट बैट और 17। कौशिक गिरी एक ही ओवर डाला, उससे पहले बॉलिंग नहीं डाला था एक मैच में 3 ओवर। तो दोस्तों इनका ओवर का कोई गारंटी नहीं है कौशिक का। निबिट डे का इनको आइडियली ऊपर आना चाहिए बैटिंग के लिए, बैटिंग ये नीचे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अंकित सिंह अगर बैट फर्स्ट हुआ तो ले सकते हो, विकी से वैल्यू तो देंगे प्लस बैटिंग से वैल्यू दे सकते हैं, बट उसके लिए बैटिंग फर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। दर्शन रजवंशी बॉलिंग फर्स्ट कैप्टन बना सकते हो, राइट आर्म फर्स्ट बॉलर, डेफिनेटली मस्ट बी प्लेयर। अभिलाष गोगोई मस्ट हैव है, KBC भी बना सकते हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, स्टेट खेल चुके। स्टेट के प्लेयर्स जब डोमेस्टिक खेलते हैं उनको अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो रखना है, स्पेशली अगर वो बॉलर रहा तो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल लेते हैं, ठीक है। पुष्पराज शर्मा लास्ट मैच में खराब खेला, उससे पहले 2 विकेट 3 विकेट अच्छा बॉलिंग डाल रहा था बंदा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, इससे पहले असम T20 में भी विकेट टेकर है, अच्छा बॉलर है दोस्तों। रोहित सिंह मैं आपको बोल रहा था हर मैच में इसको बैक करो, देखो फाइनली लास्ट मैच में 4 ओवर में 3, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कैप्टन डिसाइड करेगा ये कितना ओवर डालेगा, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। एक आधा ओवर अच्छा जाने से पूरा 4 ओवर डालेगा, और एक ही ओवर किसी भी कारण से पहला ओवर खराब हो सकता है, 2 मिसफील्डिंग से भी खराब हो सकते हैं, बट ऑल डिपेंड्स ऑन कैप्टन। और इसीलिए मैं बोलता हूँ बैकअप टीम के साथ खेलो, और बेस्ट ऐप है कुबेरा। ये मैचेस मतलब इंडिया के डोमेस्टिक और एसोसिएट्स के मैचेस के कवरेज आप इंडिया के डोमेस्टिक T20 और ECS के अगर खेलना है आपको, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कुबेरा ऐप, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नहीं बट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चलो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी टॉप में पिन करके रखूँगा, डाउनलोड करो, प्ले करो, विन करो, बेस्ट ऑफ बेस्ट ऐप, स्पेशली एसोसिएट्स स्पेशली इंटरनेशनल और इंडिया के डोमेस्टिक T20s के लिए, ठीक है, ECS के लिए, CS, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेस्ट ऐप है। अपनी बॉलिंग दर्शन गोगोई, रोहित सिंह डेथ में गोगोई, तीसहा दर्शन आपके लिए ज़रूरी चॉइस है। पावर प्ले में बेसिकली ज़्यादा बॉल डालता है और एक आधा ओवर डेथ में आ सकता है। रोहित सिंह पावर प्ले में डालेंगे, एक मिडिल ओवर में डाला। गोगोई आपको पावर प्ले और डेथ स्पिनर होने के बाद भी, पुष्पराज मिडिल ओवर डाले थे, तीसहा ये बंदा स्पिनर होके भी डेथ में डालता है बॉल, 2 विकेट मिलेगा ही ना इसको। निपांडे का खेलता है तो सेफ ऑप्शन रहेगा, 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी डाल लेता है अच्छा खासा। जीतू अली इसका ओवर का गारंटी नहीं है, 81 में 119 ओवर 35 विकेट, और बाकी प्लेयर शिवशंकर मस्ट पिक हो जाएगा खेलेगा तो, सौरभपुर का स्तंभ मस्ट पिक, ऋषभ दास मस्ट पिक, ये तीनों प्लेयर मस्ट पिक है। शिवशंकर बैट बॉल दोनों से वैल्यू देता है, सौरभपुर का स्तंभ बैट बॉल दोनों से वैल्यू देता है, एंड ऋषभ दास दोस्तों सिर्फ बैटिंग से, और तीनों स्टेट का प्लेयर है, ठीक है। अब आते हैं SGC के तरफ, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते हो, जुड़ सकते हो टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। SGC से अगर देखोगे पवन शर्मा, प्रगति कुमार, मोहम्मद मुदस्सिर, अमित सिन्हा होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से देखोगे तो पवन शर्मा 3 और 10 मैं फिलहाल नहीं लूँगा। देखो अपने दोनों मैच हारा, बहुत ज़्यादा वीक टीम है, अगर बॉल फर्स्ट कर रहा है तो बात अलग, अगर बैट फर्स्ट करता है तो वन साइडेड हारेगा। प्रगति 2 ओवर डाला विकेटलेस, करियर में 87 मैच में 201 ओवर 48 विकेट, ठीक ठाक ऑप्शन है, मस्ट पिक नहीं है। मुदस्सिर ने 4 ओवर में 1 विकेट सोला, ये हमारे लिए मस्ट पिक है। डोमेस्टिक में 62 मैच में 216 ओवर 72 विकेट,
1400 प्लस रन है, 34 के एवरेज, अच्छा ऑप्शन है। अमित सिन्हा ऑलराउंडर है, कैप बीसी बना सकते हो और स्टेट खेल चुका है दोस्तों। बॉल फर्स्ट बहुत ज़्यादा अच्छा चॉइस रहेगा एस कैप बीसी, बॉलिंग सेकंड जस्ट एज अ प्लेयर रखना, ठीक है। बॉल फर्स्ट कैप बीसी बनाओ, अपोनेंट के पास बहुत सारे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ये राइट ही बेटर है, इनको दिक्कत होगा लॉजिकली। कलाम राइजा एज अ प्लेयर में लूंगा, लेग ब्रेक है, लास्ट मैच में 49 रन 4 ओवर में क्योंकि निकाला, तो एज अ प्लेयर रखना चाहिए। बॉल फर्स्ट स्पेशली इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा। रोशन आलम बॉल फर्स्ट डिफेंशियल कैप बीसी, स्टेट खेल चुके हैं दोस्तों, अच्छा प्लेयर है रोशन आलम, मस्ट वीक प्लेयर होना चाहिए। संगमाई को मैं प्रेफर नहीं करूंगा। गौतम बैटिंग बहुत वीक है, बॉलिंग अच्छा है। चौधरी ने एक मैच में 4 डाला, एक मैच में 3, तो इग्नोर करेंगे। देखो 3 रन किया, बॉलिंग ही नहीं डाला एक मैच में, ठीक है। सूरज ठाकुर एक मैच में 4 ओवर, अगला मैच में 1 ही ओवर डाला। डोली, अब ये जो ऑप्शंस है ना आपको मैं बता रहा हूँ, एक सूरज ठाकुर राइट आर्म स्पिन बॉलर है, 19 मैच में 49 ओवर 5 विकेट, तो विकेट टेकिंग थोड़ा सा कम है, बट ये जो एम डोली है ना ये बॉल फर्स्ट डिफरेंशियल ले सकते हो, ये चांस है ओवर कंप्लीट भी कर जाए, डेथ में भी आ जाए, बट बॉल फर्स्ट कीप इट इन माइंड, ठीक है। अदरवाइज जो सेफ ऑप्शन है यही है, रोशन आलम, कलाम रैजा और अमित सिन्हा, ये 4 और 3 और चौथा मोहम्मद मुदसर, यही 4 प्लेयर मेरे हिसाब से सेफेस्ट है इस टीम से। ओपोनेंट का बॉलिंग बहुत तगड़ा है बट इस टीम का बैटिंग बहुत वीक है, बॉलिंग ठीक है। पावर प्ले और डेथ रोशन आलम, मुदसर भी पावर प्ले और डेथ करेगा, डोली ने एक मैच में डेथ किया 18, तो ग्रैंड लीग चॉइस। के रैजा मिडल ओवर, सिन्हा मिडल ओवर और सिन्हा लास्ट मैच में डेथ किया था, यहाँ पे ना गारंटी नहीं होता, स्पिनर भी डेट डाल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे कई और प्लेयर्स है, स्टैट्स देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और चुनना है टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों जो मेरा टीम रहेगा इस मैच में, विकी में ए सिंह वेरी डिसेंट चॉइस है, यहाँ से दोस्तों अमित सिन्हा इंपॉर्टेंट है, देखा आफ्टर टॉस देखा जाएगा, फिलहाल तो बैटिंग नीचे कर रहा है। रैजा ने अच्छा बॉल डाला लास्ट मैच में, बैटिंग भी कर लेगा तो ले लेते हैं। पोरगास्त खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, निपांडे का खेलता है तो डिफरेंशियल रहेगा। चौधरी को ऐड करना है तो कर सकते हो दोस्तों, बट प्रॉब्लम है कि लास्ट मैच में ओवर कट हो गया था। कौशिक गिरी नहीं लूँगा, डोली डिफरेंशियल है स्पेशली बॉल फर्स्ट, बॉल सेकेंड ड्रॉप कर सकते हो। सूरज ठाकुर अभी नहीं लेते हैं, यहाँ से मुदस्सिर ले लेते हैं, लास्ट मैच में बैट बॉल किया था। पुष्पराज राजवंशी रखेंगे, रोशन आलम मेरा मस्ट विक प्लेयर, अभिलाष गोगोई मस्ट विक प्लेयर, टी शाह इम्पॉर्टेंट है और रोहित सिंह कहाँ गया यार, कहाँ गया, ये रहा आर सिंह, यस लास्ट मैच कैंसिल हुआ था, रोहित सिंह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। फिलहाल ये रहेगा टीम दोस्तों, कुछ भी अपडेट आता है ना इनके साथ रोटेशन कर सकते हो, बाकी कुछ भी अपडेट आता है कवरेज आएगा डेमो टीम होगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। फिलहाल जो कैप बीसी बनेंगे ना, अमित सिन्हा आपके लिए कैप बीसी ऑप्शन है क्योंकि बैट बॉल दोनों करेगा। टीशा बेटर ऑप्शन है तो मैंने इसको कैप्टन बनाया, अमित सिन्हा को वीसी। अमित सिन्हा अगर बॉलिंग सेकेंड इनिंग्स में करता है तो वीसी मत बनाओ, और इसके जगह दोस्तों यहाँ से ना अभिलाष को पुष्पराज को आप कैप बीसी बना सकते हो। फिलहाल ये रहेगा कवरेज, चलो मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू दोस्तों।